ताकत दिया है, आशीर्वाद दिया है। आप सबकी लड़ाई को लड़ने आया हूँ और आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे, बस आपका साथ चाहिए। बिहार बनाना है, अब चाचा जी से बिहार चलने वाला नहीं है। जब 17 महीना हमको मौका मिला उपमुख्यमंत्री रहते हुए, तो हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां बांध दिया। 17 साल में नहीं हुआ, वो 17 महीने में हुआ। एक काम तो हम लोगों ने किया, साथ ही साथ आप सब लोग जानते समाज के सब लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं। ये केवल माई की पार्टी नहीं, बल्कि माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। लोग कहते हुए केवल माई की पार्टी है, हम बोलते हैं बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरा ए से आदिवासी, और पी से पुअर, यानी बाप। भागलपुर के बाद बांका, जमुई, अभी लखीसराय आया है, अभी सूर्यग्रह होते हुए मुंगेर जाना है। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें बिहार में तेजस्वी यादव के जनविश्वास यात्रा की है। बिहार के सत्ता से बेदखल हुए तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा लेकर जनता का आशीर्वाद मांगने निकल पड़े हैं। जिले जिले में घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, अपने रथ से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात, कभी आधी रात को। लोकसभा चुनाव के लिए जनता को लामबंद करने में पूरी ताकत से जुटे हैं तेजस्वी यादव। तस्वीरें गवाह हैं। तेजस्वी यादव जब लोगों को संबोधित कर रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं, तो भीड़ की ऊर्जा और उत्साह उनके हौसले को तो बढ़ा रहा है, लेकिन क्या ये भीड़ तेजस्वी यादव को आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी दिला पाएगी? 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जिस जनता ने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 0 पर समेट दिया था, खाता भी नहीं खुला था, क्या वो जनता इस बार तेजस्वी में विश्वास जताकर, क्योंकि वो जनविश्वास यात्रा लेकर निकले हैं, लोकसभा चुनाव में उन्हें सम्मानजनक सीटों के तोहफे देगी? क्या बिहार की जनता तेजस्वी यादव को लोकसभा चुनाव में बेहतर और उल्लेखनीय प्रदर्शन के मौके देगी? ये वो सवाल है जिनका जवाब आज की तारीख में सुबह, शाम, दोपहर, रात, हर वक्त खुद तेजस्वी यादव तलाश रहे होंगे, जब बिहार के अलग अलग जिलों में उनकी यात्रा चल रही है और ऐसी तस्वीरें खुद ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। यही जवाब तलाशते हुए तेजस्वी यादव 20 फरवरी से 33 जिलों में जनविश्वास यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। मुजफ्फरपुर से शुरू हुई यात्रा सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा, बक्सर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा और ऐसे तमाम जिले समेत गुजरती हुई कल भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर होते हुए पटना की तरफ बढ़ रही है। कल आधी रात को भी ट्विटर पर तेजस्वी यादव ने तस्वीरें शेयर की हैं और जो तेजस्वी यादव का किस यात्रा का समापन होना है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 मार्च को। उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में जहां तेजस्वी के पिता लालू यादव ऐसी ऐसी कई सभाएं कर चुके हैं जो इतिहास में दर्ज है। इस कोने से उस कोने तक भीड़ उस ऐतिहासिक गांधी मैदान में। क्या गांधी मैदान में 3 मार्च को तेजस्वी यादव वैसे ही भीड़ जुटा पाएंगे जो कभी लालू यादव जुटाया करते थे? और अगर भीड़ जुटती है 3 मार्च को, तो क्या वो भीड़ लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के लिए वैसे ही बूथों पर लामबंद होगी जैसे कभी लालू यादव के लिए हुआ करती थी? बीते 15 सालों में बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल हो गया है। 15-17 सालों में, 2009 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें और उसके बाद के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो 2009 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी 4 सीटें मिली और उसके बाद लगातार ताकत कमजोर होती गई। लालू यादव के रहते ही 2009 और 14 का चुनाव आरजेडी के लिए बहुत नुकसान दे रहा, लेकिन 2019 आते आते यह स्थिति हो गई कि खाता भी नहीं खुला। विधानसभा चुनाव में जरूर आरजेडी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में झटके लगातार लगते रहे। बीते 3 चुनाव का इतिहास है।
और अब सवाल यही है कि क्या लोकसभा चुनाव में, जो 1.5-2 महीने बाद होना है, तेजस्वी यादव इस बार आरजेडी की खोई हुई जमीन वापस ले पाएंगे? जनविश्वास यात्रा की तस्वीरों को देखें तो तेजस्वी यादव भीड़ तो बहुत खींच रहे हैं, लेकिन वोट, यही सवाल है। तेजस्वी यादव की ये तस्वीरें आरजेडी समर्थकों में जोश भरने के लिए काफी है। आधी रात को 1:30 बजे कोई नेता अपनी यात्रा लेकर किसी शहर में पहुंचे और भीड़ उत्साह से लबरेज होकर इस तरह से स्वागत करे तो उसे क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव ने आधी रात को 1:42 पर करीब 6 मिनट का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लखीसराय को लख लख धन्यवाद। रात्रि 1:30 बजे, 8-9 घंटे के लंबे इंतजार के बाद भी इतनी भारी भीड़ है और यह आपकी मोहब्बत है। जनविश्वास यात्रा में जन जन का आशीर्वाद पाकर मैं अभिभूत हूं, तेजस्वी ने लिखा आधी रात को। और आधी रात को स्वागत में खड़ी ऐसी भीड़ देखकर कोई भी नेता अभिभूत तो होगा ही, लेकिन क्या यह भीड़, जो बार बार मैं पूछ रहा हूं, तेजस्वी के लिए वोट में तब्दील होकर उनके लिए सीटों के तोहफे देगी, सम्मानजनक सीटों के? तेजस्वी अपनी सभाओं में 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, जो उन्होंने किया वो कहते हैं, जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए वो कहते हैं, 17 सालों में जो नहीं हुआ वो 17 महीने में हुआ ये भी कहते हैं, तरक्की की बात करते हैं। जनता कुछ इस तरह से शोर मचाती है। ये तो नया बिहार बनाना है, अब चाचा जी से बिहार चलने वाला नहीं है, आइए मिलकर नया बिहार बनाते हैं, जहां नौकरी की बात हो, जहां विकास की बात हो, तरक्की की बात हो, उत्थान की बात हो। और हम लोगों ने जब 17 महीना हमको मौका मिला उपमुख्यमंत्री रहते हुए, तो हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां पाने दिया, जितना साल में नहीं हुआ वो 17 महीने में हुआ। ये काम तो हम लोगों ने किया, साथ ही साथ आप सब लोग जानते जाति आधारित गन्ना कराया गया, 75% आरक्षण की सीमा कर दी गई, जो EWS का 10% था उसको भी रखा, बाकियों का 65%, टोटल 75%, अति पिछड़ों का 24%, पिछड़ों का बढ़ा, दलित भाइयों का बढ़ा, आदिवासी भाइयों का बढ़ा। इसलिए हम लोग सब लोग समाज के सब लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन आप सोचो चाचा जी क्या कहते थे जब हम 20 में बोले थे, अच्छा सबसे पहले किसके मुंह से सुने थे 10 लाख सरकारी नौकरी का, तो समय चाचा जी क्या बोलते थे कि कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप से मांग के ला के देगा, असंभव है, नहीं हो सकता तो कैसे हुआ, इस बात को समझना पड़ेगा। तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, चाचा जी तो पलट गए, समाज के हर एक वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलता है। पिछड़े भाई हो, महादलित भाई, दलित भाई, सब लोग लोकसंख्या भाई, सब लोग गोल बंद होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। लालू यादव की राजनीति पर माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण बिठाकर राजनीति करने के आरोप लगते रहे, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण लालू यादव की पार्टी के लिए एकजुट होकर एकमुश्त करने वाला समीकरण रहा है, और ये सर्वविदित तथ्य है। लेकिन तेजस्वी यादव माई के साथ बाप को भी जोड़ रहे हैं और एक अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं। अपने भाषणों में तेजस्वी यादव बाप की व्याख्या कुछ इस अंदाज में करते हैं, सुनिए जरा। हम लोग सब लोग समाज के सब लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं, ये केवल माई की पार्टी नहीं बल्कि माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, ये माई बाप की पार्टी है,
लोग कहते हुए केवल माई की पार्टी है, हम बोलते हैं बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरा ए से आदिवासी, और पी से पुअर यानी बाप। ए टू जेड, माई बाप ए टू जेड हो गया उसने, और माई बाप हमारी जनता है, इसलिए आपके बीच हम लोग आए, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जब कहते हैं कि ये केवल माई की पार्टी नहीं बल्कि माई के साथ बाप की भी पार्टी है, ये माई बाप की पार्टी है, बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी, पी से पुअर, यानी ये माई बाप की पार्टी है, माई बाप हमारी जनता है, तो क्या जनता उनकी इन बातों को उसी तरह से लेगी? बीते 4-5 सालों की बात करें तो तेजस्वी यादव ने सियासी तौर पर खुद को बहुत मांझने की कोशिश की है। देश ने ये उस दिन भी देखा जब तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अलग ही अंदाज में विधानसभा में दिखे। सधे हुए शब्दों में तेजस्वी ने विधानसभा में सामने बैठे नीतीश कुमार को भिंगो भिगो कर जलील किया, सबने देखा, ऑन रिकॉर्ड है। न मर्यादा खोई, न शब्दों का संयम खोया, लेकिन बार बार पाला बदलने वाले नीतीश कुमार को तेजस्वी ने कुछ इस तरह से एक्सपोज किया कि लोग आज भी जिक्र करते हैं। वो भाषण बहुत चर्चित है। हम कहना चाहते हैं जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोक के झंडा उठाएगा। ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री जी, जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अकेले। हमारे साथ कांग्रेस है, माले है, महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था 2020 में, और 20 में तो क्या रिजल्ट हुआ था उसी का ना पीड़ा आज मुख्यमंत्री जी का कि तीसरे नंबर का पार्टी हो गए, और चर्चा तो बाजार में भी चल रहा है। आप मुख्यमंत्री जी, एक और पूरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है, अरे कब्जा छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा इनपे हो गया। अब देख लीजिए, लेकिन मीडिया जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है हाँ, आप लोगों पर कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा, तो अब तो कब्जा आप ही पे हो गया है। खैर जो भी अमित शाह जी कहते रहे, हमारा तो दरवाजा बंद है, खैर उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। ना आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, ना प्रधानमंत्री बनना है, ना किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था, आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था, मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी, आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था, झूठ मत बोलिएगा, देखिए हम आप लोग से उम्र में छोटे, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, असंभव है, क्या बोले थे? और हमने उस समय चुनाव के दौरान बीजेपी से नीतीश की साठगांठ के बाद सत्ता से बेदखल हुए तेजस्वी यादव सदमे में कुछ दिनों तक घर में बैठे रह सकते थे, आगे की रणनीति पर विचार के लिए काफी वक्त ले सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव निकल पड़े क्योंकि उन्हें भी पता है कि वक्त बहुत कम है और ये वक्त बहुत अहम है और तय जनता को करना है, वही जनता जो जनार्दन चुनती है। एक तरफ मोदी सरकार की तमाम एजेंसियां तेजस्वी और उनके परिवार के पीछे लगी है, दूसरी तरफ तेजस्वी जनता दरबार में हाजिरी लगाते हुए आशीर्वाद मांगते घूम रहे हैं, लगातार ट्विटर पर तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। यह अलग बात है कि चैनलों पर वो तस्वीरें शायद नहीं दिख रही है, या दिख भी रही है तो
तो बहुत कम, ना के बराबर। अगर आपको कहीं दिखे तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। तेजस्वी यादव 20 फरवरी से 33 जिलों में जन विश्वास यात्रा लेकर निकले हैं। जो मैंने शुरू में भी बताया, मुजफ्फरपुर से यात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद अलग अलग ज़िले में लगातार मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, औरंगाबाद, अलग अलग ज़िलों में जा रही है। और लंबा सफ़र एक दिन में तेजस्वी यादव लंबा सफ़र, कई ज़िलों का सफ़र एक दिन में तय करते हैं। और कल जैसे 4-5 ज़िले में कल थे, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय वगैरह। और जब जमुई पहुंचे तेजस्वी यादव, ये तस्वीर जैसे कल जमुई की है, जो कल यानी मंगलवार रात करीब 12 बजे की है। खुद तेजस्वी यादव ने भीड़ के उत्साह को देखकर ट्विटर पर लिखा, जो लिखा वो स्क्रीन पर है, जमुई जिंदाबाद, रात्रि के 12 बजे हैं, 7 घंटे देरी से जन विश्वास यात्रा ने जमुई में प्रवेश किया है। इतने लंबे इंतज़ार के बाद भी आपके उत्साह, समर्थन, जोश और जुनून को हर चौक और नुक्कड़ पर देख रहा हूँ। ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं आपको मोहब्बतों, भरोसे और विश्वास, आपकी मोहब्बतें, भरोसे और विश्वास पर खरा उतर सकूँ। जमुई बिहार की वो लोकसभा सीट है, अगर हम जमुई की बात करें, जहाँ से रामविलास पासवान के बेटे जो चिराग पासवान है, लगातार दूसरी बार 2014 में और 2019 में लगातार दूसरी बार जीते हैं। तो इसलिए तेजस्वी यादव ऐसी सीटों को भी टारगेट कर रहे हैं जहां तेजस्वी यादव का वोट बैंक रहा है, जिन सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी 2009 के पहले मजबूत रही है। जमुई पहुंचने से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव बांका में थे। बांका सीट पर भी 2014 में अगर बात करें, आरजेडी ने कब्जा किया था, जीती थी आरजेडी। उसके पहले दिग्विजय सिंह हुआ करते थे, बांका से चुनाव लड़े और जीते थे, बाद में हारे भी थे। लेकिन 2019 में बीजेपी के साथ लड़कर जेडीयू ने आरजेडी से बांका सीट छीन ली थी। तो तेजस्वी यादव कल बांका में भी थे। तेजस्वी यादव ने बांका में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ों की गोलबंदी की बात की। अपने पिता लालू यादव का जिक्र करते हैं हर रैली में, हर रोज, हर सभा में, वहां भी उन्होंने जिक्र किया। और गांधी मैदान में 3 मार्च को होने वाली बड़ी रैली में लोगों को शामिल होने का न्योता भी दिया। सुनिए कैसे। ताकत दिया है, आशीर्वाद दिया है, आप सबकी लड़ाई को लड़ने आया हूँ और आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। बस आपका साथ चाहिए, चाहे कोई जात के भाई हो, चाहे पिछड़े हो, अति पिछड़े भाई हो, दलित, महादलित भाई हो, आदिवासी भाई, अल्पसंख्यक भाई, सब लोग गोलबंद रहना है, साथ रहना है। सबको प्रतिनिधित्व देगा, इसलिए आदरणीय लालू जी, आप सबों के नेता, गरीबों के पट्टा, आप लोगों को निमंत्रण भेजा है आने वाले 3 मार्च को पट्टा के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैला, महागठबंधन हम लोगों ने आयोजित किया है, तो इसमें आप सबको आमंत्रित सब करने आए हैं। तो आप सब लोग आएंगे ना पटना, दो को ही आ जाइएगा, रात में तो ज्यादा अच्छा है। 3 तारीख को प्रशासन वाला घबराया हुआ है, तंग करना चाहेगा, लेकिन हम जानते हैं कि बांका की जनता को पटना आने से कोई नहीं रोक सकता। आप सब लोगों का धन्यवाद है और आगे हर बांका जिला में घूम के जमुई जाना है, लखीसराय, सूर्यगढ़ा, मुंगेर, मुंगेर रात्रि विश्राम है, तो आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। आगे गाड़ी हम बढ़ा दिए हैं, आगे बिहार घूमा है, सबको गोलबंद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के अलग अलग इलाकों से आ रही ऐसी तस्वीरें तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रही होंगी, उनमें उम्मीद जगा रही होंगी कि अगर यूं ही लगातार जनता के बीच जाकर आशीर्वाद मांगते रहे तो बिहार में मोदी और शाह की सियासत और मशीनरी को चुनौती दे पाए, क्योंकि 2019 और 14 के नतीजे आरजेडी के लिए अच्छे नहीं थे, 19 तो खास करके, और अब 24 आ रहा है, चंद हफ्ते बाकी हैं। तेजस्वी यादव को भी पता होगा कि उनकी राह पहले से ज्यादा मुश्किल है। जब तक नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन था, तब तक 40% से ज्यादा वोटों के साथ एक मजबूत विकल्प की तरह बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और यह गठबंधन था, इंडिया गठबंधन।
कांग्रेस और वाम दलों को मिला दें तो बीजेपी के को बिहार में स्कोर से नीचे लाना, जो उसके जीती हुई सीटें हैं 2019 में, उससे नीचे लाना मुश्किल नहीं था। लेकिन अब नीतीश के पाला बदलने के बाद खेल बदल गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की पार्टी छोड़कर उन्हीं मोदी और शाह की शरण में चले गए जिनके खिलाफ लड़ने के लिए तेजस्वी यादव के साथ आए थे। तो स्थितियां बदली है। अब तेजस्वी को एक साथ कई मोर्चे पर लड़ना है, नीतीश कुमार से भी लड़ना है और मोदी की बीजेपी से भी लड़ना है। खास बात यह है कि इस लड़ाई में तेजस्वी के साथ उनके पिता लालू यादव सक्रिय रूप से नहीं है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि वो अस्वस्थ हैं। उस तरह से अब लालू यादव बीते 4-5 सालों से सक्रिय नहीं है, उसके पहले लंबे समय तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। लालू यादव की अस्वस्थता ने उन्हें थोड़ा नेपथ्य में भेज दिया है और पूरी तरह से कमान तेजस्वी यादव ने संभाल ली है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें, वो चुनाव भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा गया और उनकी पार्टी ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी। ये अलग बात है कि कुछ नंबर से नतीजे कुछ और आए। 2020 विधानसभा चुनाव में एक तरफ नीतीश कुमार और मोदी और शाह की बीजेपी थी और दूसरी तरफ अपने दम पर ताल ठोकते तेजस्वी यादव थे। कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन जरूर था, लेकिन केंद्रीय किरदार 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव थे। सत्ता में आने पर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का तेजस्वी ने वादा करके उस समय चुनाव का एजेंडा तय कर दिया था और अचानक बिहार के चुनाव में गर्मी आ गई थी। तेजस्वी की सभाओं और रैलियों में 10 लाख की नौकरी के मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया कि बीजेपी को भी नौकरी और रोजगार को ही केंद्र में रखकर अपना मैनिफेस्टो जारी करना पड़ा था। 2020 के चुनाव की अगर बात करें तो, और ये मामूली बात नहीं है कि नीतीश कुमार और बीजेपी साथ होकर भी तेजस्वी के एजेंडे पर आने को तब मजबूर हो गए थे। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव पूरी मजबूती से लड़े, यह अलग बात है कि थोड़े से चूक गए। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आरजेडी ने कांग्रेस के लिए 70 सीटें 2020 में न छोड़ी होती तो शायद स्थितियां या तस्वीर कुछ और होती। बहरहाल अब तो लोकसभा चुनाव का वक्त है। शिकस्त तेजस्वी के हिस्से आई 2020 में, लेकिन ढलान की तरफ तब से नीतीश भी आए। कम सीटें जीतकर भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में सीएम जरूर बने, लेकिन कुछ ही दिनों बाद, दो साल भी नहीं पूरे हुए कि एक बार फिर बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए, तेजस्वी के साथ आए और उसके बाद मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन इस वादे के साथ कि 2025 अघोषित वादा या अघोषित अंडरस्टैंडिंग कि 2025 के पहले तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपेंगे और नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में आएंगे। इसलिए नीतीश कुमार सक्रिय भी हुए थे, इंडिया गठबंधन, मोर्चेबंदी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ आपको पता होगा। यही तो तय था और ऐसी तेजस्वी यादव मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार भी रहे होंगे, लेकिन अचानक झटका लगा। नीतीश कुमार ने बीच में गच्चा दिया और मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए मोर्चा बनाने की कवायद करते करते मोदी से ही जा मिले। इस पर हम ऐसे पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, इसलिए इस पर दोहराव से बचने के लिए वापस आते हैं इस चुनाव पर जो अब होना है। मार्च एक बचा हुआ है, अप्रैल में चुनाव शुरू हो जाएगा, अगले 15 दिन के भीतर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इतना तो कह सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर, तेजस्वी यादव जिस तरह से सक्रिय हैं उसको देखकर, कि तेजस्वी यादव बिहार में बिहार की सियासत की एक मजबूत धुरी तो बन गए हैं, लेकिन अब इस धुरी को जनता कितनी मजबूती देती है ये देखना बाकी है। बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 17 महीने की अपनी पारी में नौकरी और रोजगार के सवाल को बिहार की सियासत का केंद्रीय एजेंडा तो बना ही दिया है, इसमें भी किसी को शक नहीं। वरना यही नीतीश कुमार है जो कहा करते थे, जिनका जिक्र तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में कर रहे हैं कि 17 साल में जो नहीं हुआ वो 17 महीने में किया। और ये सीएम भले ही नीतीश कुमार रहे इस बार भी, लेकिन नौकरी को केंद्रीय मुद्दा बनाने में बाजी तेजस्वी यादव ने मारी है। तभी तेजस्वी यादव हर जगह नीतीश कुमार के उस बयान का भी जिक्र करते हैं जब नीतीश कुमार कहा करते थे कि तेजस्वी यादव इतनी नौकरी कहां से देगा, पैसा क्या अपने बाप के पास से लाएगा। लेकिन आप सोचो चाचा जी क्या कहते थे जब हम 20 में बोले थे। अच्छा, सबसे पहले किसके मुंह से सुने थे 10 लाख सरकारी नौकरी का? तो उस समय चाचा जी क्या बोलते थे कि कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप से मांग के ला के देगा, असंभव है, नहीं हो सकता, तो कैसे हुआ? इस बात को समझना पड़ेगा। तो
और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के ऐसे भाषणों पर तालियां तो खूब बजती है, लेकिन वोट कितने मिलेंगे और सीटें कितने मिलेंगी? सबकी दिलचस्पी या सबकी नजर इसी पर होगी, इसलिए कि बिहार बहुत अहम है। 39 सीटें एनडीए गठबंधन 2019 के चुनाव में बिहार से जीत गया था। किसी भी नेता के लिए आखिरी आसरा जनता होती है। जनता ही जनादेश देती है, जनता ही सत्ता की चाबी देती है, और जनता ही सत्ता से किसी को उतार भी देती है। तभी तो कहा जाता है जनता ही जनार्दन है। लेकिन राज जब मोदी और शाह का हो तो जनता के जनादेश की भी चोरी हो जाती है, और चुनी हुई सरकारों को पिछले दरवाजे से बेदखल करने की साजिशें भी परवान चढ़ती रहती है। अगर आप 9.5-10 साल का इतिहास देखें, तमाशा अभी हिमाचल में भी हो रहा है, राज्यसभा चुनाव में भी हुआ। अगर 9.5-10 साल का इतिहास देखें, गूगल करें, तो आपको पता चल जाएगा कि 9.5-10 सालों में किस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराया गया है। तेजस्वी यादव के ऐसे भाषणों पर तालियां तो खूब बजती हैं, लेकिन वोट कितने मिलेंगे और सीटें कितनी मिलेंगी? सबकी दिलचस्पी इसी पर होगी, और 1.5-2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। किसी भी नेता के लिए आखिरी आसरा जनता होती है। जनता ही जनादेश देती है, जनता ही सत्ता की चाबी देती है, और जनता ही सत्ता से उतार भी देती है। तभी तो कहा जाता है जनता ही जनार्दन है। लेकिन राज जब मोदी और शाह का हो तो जनता के जनादेश की भी चोरी हो जाती है, और चुनी हुई सरकारों को पिछले दरवाजे से बेदखल करने की साजिशें भी परवान चढ़ती हैं। 9.5-10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, इतिहास देखिए या गूगल कीजिए, पता चल जाएगा कि मोदी की बीजेपी ने, बार बार मैं मोदी की बीजेपी कहता हूं क्योंकि मोदी की बीजेपी 2014 के बाद की बीजेपी है, जिसके लिए हर हाल में सत्ता पाना है, हर हाल में सत्ता पर काबिज होना है। तो मोदी की बीजेपी ने सत्ता हथियाने के लिए कितने तरह के हथकंडे अपनाए, गूगल सर्च कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। कई बार जनता ठगी रह जाती है कि जनादेश तो हमने किसी और को दिया था, सत्ता पर काबिज कोई और हो गया। बहुमत के आंकड़े कई बार कागजी साबित हो जाते हैं जब साम दाम दंड भेद से सरकारें गिरा दी जाती हैं या नेताओं का पाला बदल हो जाता है। पाला बदल अभी बिहार में भी हुआ है, कुछ खेल हिमाचल में भी हो रहा है, राज्यसभा चुनाव में भी जो हुआ आपने देखा होगा, यूपी से लेकर हिमाचल तक। और 5 साल में ही बिहार में 3 बार पाला बदल हुआ। अभी नीतीश कुमार ने पाला बदल कर बीजेपी का दामन थामा है, एक ही विधानसभा में 3री बार, और अब तक के करियर में 9वीं बार शपथ लेकर नीतीश कुमार मोदी की छत्र छाया में एक बार फिर सीएम बन गए। और नीतीश कुमार की पलटमारी के शिकार तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा लेकर जनता के बीच निकल पड़े हैं। तय जनता को करना है, चुनाव में चंद सप्ताह बाकी हैं, चुनौती तेजस्वी के सामने बहुत पड़ी है, और बिहार बहुत अहम है, मोदी के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि बिहार में 2019 में 39 सीटें, 17 बीजेपी, 16 जेडीयू, 6 LJP, 39 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी। और एनडीए को सबसे अधिक डर बिहार में था, मोदी को सबसे अधिक डर बिहार में था कि कहीं नीतीश और तेजस्वी मिलकर लड़े तो कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि बीजेपी को सिंगल डिजिट में कहीं निपट न जाए बीजेपी। और तभी तो सारे दाव खेले गए और नीतीश कुमार पाला बदल कर एक बार फिर चले गए बीजेपी के साथ। तो इस बार तेजस्वी की चुनौतियां बड़ी हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, लेकिन क्या कर पाते हैं तेजस्वी? अभी 2-2.5 महीने उनकी लड़ाई और जनता के बीच उनकी तैयारी, इससे सब कुछ तय हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, मुलाकात होगी, होती रहेगी। नमस्कार।